खबर बिहार से आ रही है। यहां मानसून के साथ आई भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में गुरुवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। कोरोना महामारी के चलते भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगामी 12 अगस्त तक सभी यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसमें मेल, एक्सप्रेस, यात्री व उपनगरीय सेवाओं सहित सभी यात्री ट्रेन सेवाएं 12 अगस्त 2020 तक कैंसिल कर दी गई हैं। हालांकि राजधानी मार्ग पर चलने वाली 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों व 1 जून से शुरू हुई 100 जोड़ी अन्य ट्रेनों का संचालन होता रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब डीजल के बढ़े हुए दामों ने पेट्रोल को भी पछाड़ दिया है। देश भर में 48 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के साथ दिल्ली में डीजल का दाम 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपये प्रति लीटर है। इस वर्ष मथुरा जिले में गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते मथुरा जनपद में आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले के आयोजन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस वर्ष यह मेला आयोजित नहीं किया जाएगा।